अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मेन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान की और स्पेशली पाकिस्तान की। मैं आपको जो हर बंदे के दिमाग में एक सवाल है कि कोरोना कैसे कंट्रोल हो गया, उसका मैं आपको आंसर दूंगा, क्योंकि मैंने उस पर बहुत रिसर्च की है और उससे मुझे कुछ नतायज मिले हैं और वो नतायज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, वो हर मुल्क के लिए कारगर हैं और एप्लीकेबल हैं। मैं आपको बहुत सारे ममालिक की एग्जांपल्स दूंगा उसके साथ, ताकि आपको अच्छे तरीके से आसानी से समझ आ जाए। सो ओमान की अपडेट्स तो ये हैं कि 94% अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हो गई हैं टोटल, और उसके साथ ही 60% लोगों को कह भी दिया है गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो कि अब वापस अपने कामों पर आ सकते हैं। 25 फ्लाइटें रिपेट्रेशन का जो फेस है उसका इंडिया का उसकी अनाउंस कर दी गई हैं दोबारा, और हेल्थ मिनिस्टर का जो बयान था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और अब हम डिस्कस करते हैं एक और बात कि जितने भी लोग पाकिस्तान से यहाँ आ रहे हैं या यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, वो पूछते हैं कि हमें कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। कुछ कह रहे हैं होगा नहीं होगा। मैं बार बार इस बात की आप लोगों को रिमाइंडर करवाता हूँ कि बहुत सारी गलत खबरें मार्केट में फैलती हैं, तो फिर उससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी बंदे के 2-4 लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर में सब जलील हो जाते हैं। तो भैया, कोई कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आज की तारीख 4 सितंबर है, रात को 10 बज रहे हैं। कोई कोरोना टेस्ट आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है आज की तारीख में। अगर आगे कोई बात ऐसी आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप आ रहे हैं पाकिस्तान से या पाकिस्तान आप जा रहे हैं, आपको कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको NOC अप्रूवल चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, और अगर 6 महीने से ज़्यादा हुए हैं तो ROP का अप्रूवल हो, जो जॉब सना सेंटर से मिलता है वो वाला अप्रूवल चाहिए बस। इसके अलावा आपको टिकट चाहिए और पासपोर्ट चाहिए, आप आ सकते हैं। जाने वाले को कुछ भी नहीं चाहिए, उसको तो कोई अप्रूवल भी नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट जा सकते हैं फ्लाइट लेके अपनी टिकट। तो अब मैं आपको बता दूँ पाकिस्तान पे जो मैंने वर्किंग की। देखें, मैंने स्टडी किया कि क्यों पाकिस्तान का ये जो बेकाबू एक कोरोना का जिन्हें पूरी दुनिया में जो सुपर पावर अमेरिका है उसको भी उसने दबोचा हुआ है। इटली में इतनी अमवात हो गई, इंडिया में इतनी अमवात हो रही है, पाकिस्तान में क्या हुआ है? देखें, पाकिस्तान जब मैंने रीडिंग की ये सारी अपनी वर्किंग की, तो मुझे पता चला कि 64% आबादी जो है, 64% आबादी जो है पाकिस्तान की, वो 15 से लेके और 30 साल की उम्र के बीच की है। मतलब यंग, बहुत यंग है, और यंग को वैसे भी कोविड जो है वो असरअंदाज नहीं होता। मतलब होता भी है तो माइल्ड सा होके वो साइड पे निकल जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और बंदा अपने फुल पीक पे होता है। लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं थी, क्योंकि इंडिया की भी तकरीबन 50% आबादी जो है वो इसी एज ग्रुप की है, लेकिन इंडिया में आपको पता है मोर देन 80,000 से बहुत ज़्यादा उनमें डेथ हो गई और केसेस तो हद से ज़्यादा हो गए। दूसरी जो वजह थी मेन, स्मार्ट लॉकडाउन का लगा देना था। स्मार्ट लॉकडाउन इमीडिएटली लग गया और उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। मतलब जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता था कोरोना, उन एरियाज़ में फ़ौरन बेहतरीन किस्म का, बजाय पूरे मुल्क को बंद करने के, सिर्फ उन एरियाज़ को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और वहाँ पे पुलिस और जो भी महकमे थे उनको लगा दिया गया कि आप यहाँ से कोई बंदा बाहर ना निकले। बेहतरीन स्ट्रेटजी थी नंबर दो। नंबर तीन जो स्ट्रेटजी कोरोना से बाहर आने में काम आई वो था सेल्फ आइसोलेशन। मतलब क्योंकि एक टैबो बन गया था, टैबो मतलब वो चीज़ होती है जिसको बंदा बयान करने से और परेशानी एक अजीब आलम हो जाता, तो ये टैबो बन गया था एक पाकिस्तान में कि कोरोना है, तो लोगों ने बताया ही नहीं कि हमें कोरोना है। उन्होंने सेल्फ आइसोलेशन किया ज़्यादा से ज़्यादा। सो सेल्फ आइसोलेशन से क्या हुआ कि बहुत बड़ी तादाद जो हॉस्पिटल्स भागती और एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा लोग, उसके हॉस्पिटल स्टाफ भी और अमला भी उनके लिंक में और कॉन्टैक्ट में आता है, एम्बुलेंस वाला घर से निकल के मोहल्ले वाले गली वाले, वो बच गया। वो पेनिट्रेशन जो होती है बेसिकली फैलता है, वो बच गया। सो लोगों ने जो खुद से सेल्फ आइसोलेशन किया, जैसे अगर खुदा ना खासा फैमिली में किसी को पता चल गया कि भाई इसको कोरोना के सिम्टम आ रहे हैं, तो उन्होंने उस बंदे को उसी वक्त फ़ौरन कमरे में सेल्फ आइसोलेशन पे डाल दिया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और विदाउट एनी अपडेट। सो उससे क्या हुआ कि बहुत बड़ी जो एक पेनिट्रेशन होती वो कंट्रोल हो गई। सो ये तीन मेन वजूहात हैं। एक तो एज ग्रुप, अब इटली की मैं आपको मिसाल दूँ, इटली का जो एज ग्रुप है वो समझ लें कि 35 से लेके और 70 साल, वो बहुत बड़ी एक आबादी है। उनकी 30 साल से कम की जो आबादी है वो बहुत कम है। इसी तरह USA जो है, USA की भी आबादी तो है, लेकिन USA में कोई लॉकडाउन वगैरह कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो आपको पता है अपने विल पे चलते हैं लोग। सो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इटली में ज़्यादा अमवात होने की वजूहात, मुझे ये मेरा ज़ाती एक ओपिनियन है, इसका ऑफिशियली या किसी इटली की किसी कानून से कोई लेना देना नहीं है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है, क्योंकि वहाँ पर एज ग्रुप बहुत बड़ा था, 30 साल से लेके 70 साल की उम्र का, जिसका इम्यून सिस्टम ऑफ कोर्स वीक 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 होता जाता है, और हॉस्पिटल्स इतने नहीं थे और उन्होंने लॉकडाउन्स वगैरह भी नहीं किए थे, तो बहुत ज़्यादा अमवात होने की वजह ये है। ये बेसिकली सिंपल सा मुझे लॉजिकल फंडा एक आया। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं
तो आप मुझे कमेंट में बताएं, अगर मुत्तफिक नहीं है तो भी बताएं, बंदे को ओपन होना चाहिए। मैं बहुत ओपन हूँ, मतलब मुझे क्रिटिसिज्म भी अच्छा लगता है। अगर आप मेरी किसी बात से मुत्तफिक नहीं है तो आप मुझे ओपनली वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको शेयर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को बताएँ कि ये इस वजह से अल्लाह के हुक्म से ये सारे मामलात हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है इस पर कि क्यों, क्या वजूहत हो सकती है। उन्होंने भी कुछ पॉइंट नोटिफाइड किए हैं कि ये वजूहत हो सकती हैं, ये वजूहत हो सकती हैं, और इसके अलावा पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त सोच विचार में लगी हुई है कि कैसे पाकिस्तान ने इस कोरोना के जिनको कंट्रोल कर दिया, जहां बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी और बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स नाकाम हो गई, पाकिस्तान कैसे कामयाब हो गया। सो अल्लाह के हुक्म से ही मामले बने सारे, अल्लाह ही करने वाले। अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, मिलूँगा आपसे कल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।